हाँ जी सारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त रियासत, आई होप आप सब अच्छे होंगे अपनी फैमिली के साथ। दोस्तों अभी मैं हूँ एयरपोर्ट पे और ये सिंगापुर का एयरपोर्ट टर्मिनल 2 आया हूँ एयरपोर्ट पे एक स्टूडेंट को लेने। अब बता दूँ इसमें कि वो जो स्टूडेंट है वो मेरे थ्रू नहीं आया है, उन्होंने मुझे फाइंड किया कि मुझे रूम रेंट और एयरपोर्ट पिकअप में हेल्प चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, क्योंकि मैंने आप सबको बताया कि मेरी तरफ से ये भी हेल्प होती है कि मैं रूम रेंट भी आपके शेयरिंग रूम भी फाइंड कर देता हूँ और एयरपोर्ट पे आता हूँ। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि अभी मैं इनसे पूछूंगा कि एयरपोर्ट पे तो आ गए हैं इंडिया से, यहाँ पे इनसे पूछूंगा कि इमिग्रेशन पे कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है, चाहे वो यहाँ का हो या फिर इंडिया का हो, और कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स तो नहीं मांगे गए हैं। तो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और बता दूँ कि मैं डेली न्यूज़ शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे, तो जाके टेलीग्राम को शेयर कर ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको पता है एक नया वायरस आया है, तो मैं वहाँ डेली न्यूज़ शेयर करता हूँ। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उनको पिक करने और पूछता हूँ उनसे मैं क्वेश्चंस वगैरह। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो गाइज, फाइनली शुभम इनका नाम है और फाइनली सिंगापुर आ चुके हैं, और ये इंडिया के हिमाचल से बिलोंग करते हैं, राइट? जी सर। आपने एजेंट के थ्रू अप्लाई किया था? जी सर। अच्छा, तो मैं एक चीज़ पूछूंगा इसमें, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको नहीं पता कि अगर हम सिंगापुर जाते हैं करंट टाइम पे, तो कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया आपसे एयरपोर्ट पे यहाँ या इंडिया के एयरपोर्ट पे? कुछ नहीं पूछा गया सर। कुछ भी नहीं पूछा गया? ऐसा कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किया? कोई डॉक्यूमेंट चेक किए यहाँ की वहाँ? यहाँ ही सिंगापुर में। इंडिया में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं हुआ? आपकी फ्लाइट कहाँ से थी? मेरी दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली टू सिंगापुर। चलो भाई, फाइनली आ गए। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि हाँ भाई क्या क्या नहीं है, और डॉक्यूमेंट्स में आपकी जाहिर सी बात है अगर आप इमिग्रेशन क्लियर करते हो तो आपसे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। सो फाइनली ये शुभम फ्रॉम हिमाचल इंडिया आ गए हैं, और इनकी मैंने इतनी हेल्प की है कि एयरपोर्ट पर लेने आया हूँ, और इनके लिए एक अकोमोडेशन जहाँ पे इनको ठहराना है वहाँ लेके जा रहा हूँ। कॉलेज के पास ही इनका रूम है, जहाँ पे कॉलेज है पास में ही रूम इनके लिए मैंने फाइंड किया सिटी में, तो जो सर्टेन चार्जेस होते हैं उसके तहत, राइट? तो मैं इनको आया था लेने, और अगर कुछ भी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। जरूर सब्सक्राइब करना, बहुत अच्छी सर। बहुत बहुत शुक्रिया सुबह। ठीक है, चलो चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं पहले। यहाँ सो गाइज, ये चाइना टाउन है, और शुभम को मैं एयरपोर्ट से ला के ये पीछे शेयरिंग हाउस है वहीं छोड़ दिया, और बारिश हो रही है तो आपका भाई चला घर। मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप मुझे टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, क्योंकि मैं डेली बेस पे वहाँ पे न्यूज़ अपडेट करता रहता हूँ। तो प्लीज़ गो फॉलो मी ऑन टेलीग्राम। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।